इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन को लेकर। आप लोग इसके पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में सुने हैं, वैसा मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर या डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, ऐसा मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ का सन के चारों ओर घूमना, ये पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो 1 ईयर है। अर्थ का अपना एक्सेस में घूमना, उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है 24 आवर। मून का अर्थ के चारों ओर घूमना या तो सन का अपना गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूमना, ये सारा मोशन है हमारा पीरियोडिक मोशन। घड़ी में जो हमारा जो मिनट हैंड या आवर हैंड का जो कांटा है, सेकेंड हैंड का कांटा, इसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन। तो यहीं से हमारा आएगा एक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मोशन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, अगर ईच ऑर्डिनेट हमारे पास जैसे एफ टी है, इसका वैल्यू अगर रेगुलर इंटरवल या इक्वल इंटरवल के बाद अगर अपने आप को रिपीट करता, तब एफ टी को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस टी है या एफ टी प्लस टू टी है, एफ टी जो था वो टी प्लस कैपिटल टी, टी है हमारा टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन। तो एफ टी जितना है एफ टी प्लस कैपिटल टी टाइम के बाद वही सेम हो जाएगा, या तो फिर अगर कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी कर दे, टू टी कर दे या थ्री टी कर दे या फोर टी कर दे, तो सेम वही चीज़ रिपीट होगा। तो ऐसा फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साइन एक्स है हमारे पास, कॉस एक्स है, सेक एक्स है, कॉसेक एक्स है, उसका पीरियड है 2π। तो साइन एक्स के साथ अगर 2π ऐड कर दें या तो और 2π 4π ऐड कर दें, 6π ऐड कर दें, तो जो वैल्यू आता था वही वैल्यू आएगा। जैसे साइन एक्स अगर हम लोग 0 कर दें तो 0 प्लस 2π मतलब साइन 2π फिर भी वैल्यू 0 आएगा, साइन 4π वैल्यू 0 आएगा, साइन 6π। इसी तरह से अगर कॉस एक्स, एक्स अगर 0 है तो कॉस 0 अगर हमारा 1 है तो कॉस 0 प्लस 2π मीन्स कॉस 2π वो भी 1 होगा। सेक में भी देखेंगे, कॉसेक में भी देखेंगे, इसका पीरियड है 2π, 2π के बाद बाद सेम वैल्यू आएगी। इसी तरह से टेन एक्स कॉट एक्स का हमारा पीरियड है पाई, तो पाई के बाद ही उन लोगों का सेम वैल्यू आएगा। तो हम लोग साइन और कोसाइन का हम लोग कुछ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन और फंक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ प्रूव हमारा आ सकता है और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोग इसके बाद जो स्टडी करने वाले हैं फूरियर सीरीज उसमें हमारा काम देगा। तो साइन और कोसाइन फंक्शन का ऑर्थोगोनलिटी हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला प्रूव है, वी हैव टू प्रूव 0 to 2π साइन एन एक्स डी एक्स हो, या तो 0 to 2π कॉस, यहाँ पर भी एन एक्स होना चाहिए, एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले साइन एक्स वाला हम लोग लेंगे, साइन एक्स 0 to 2π साइन एन एक्स डी एक्स। तो यही साइन एन एक्स को हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं अगर 1/n बाहर कर दें, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट था 2π, ये 2πn हो जाएगा। ये थ्योरम आप लोग इंटर लेवल में पढ़े हो। तो अब हम लोग का ये इजी हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। तो अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें तो कॉस एक्स के जगह में एक बार 2πn, फिर माइनस करके एक्स के जगह में 0, लेकिन बाहर में एक माइनस है, तो कॉस 0 माइनस कॉस 0 और माइनस, तो प्लस कॉस 0 होगा, और माइनस कॉस 2πn तो माइनस कॉस 2πn हो जाएगा। तो हमारा आप लोग जानते ही हैं 1/n का 1/n बाहर, कॉस 0 इक्वल टू 1 आता और कॉस 2πn बराबर 1 आता, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये इजीली हम लोग प्रूव कर लिए। इसी तरह से सेकंड वाला अगर हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कॉस के लिए, 0 to 2π कॉस एन एक्स डी एक्स, इसको भी सेम उसी थ्योरम के आधार पर कॉस एन एक्स को कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं अगर 1/n को बाहर कर दें, तो लिमिट भी यहाँ पर 2πn हो जाए, तो 1/n का 1πn कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, पुट करेंगे साइन 2πn और साइन 0, तो साइन 2πn हमारा आप लोग जानते हैं 0 होता है, ये भी 0 है, तो 0 - 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे 0। तो कहीं पर भी अगर 0 to 2π साइन एन एक्स डी एक्स, ये अगर हम लोग को देखने को मिल रहा तो आंसर आएगा 0। कॉस वाला भी अगर देखने को मिल रहा आंसर आएगा 0, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड हम लोग देखे थे वो था हमारा 2π। इसी टाइप से अगर हम लोग
साइन एन एक्स से और कॉस एम एक्स से उसका मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं जीरो से टू पाई, या तो साइन एन एक्स कॉस एम एक्स की जगह में साइन एन एक्स कॉस एम एक्स है, या तो कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स है, फिर भी कुछ भी अगर है तो आंसर जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। तो एक एक करके हम लोग प्रूव करना, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, पहला टर्म को हम लोग लेते हैं जीरो से टू पाई साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो हम लोग को प्रूव करना। तो ऊपर नीचे हम लोग टू मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जीरो से टू पाई टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टू साइन एक्स सॉरी टू साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली टू साइन सी इंटू कॉस डी, इस फॉर्म में है हमारा। तो हम लोग इसको एकदम सिंपल फार्मूला में साइन एन प्लस एम साइन ए वाला सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, टू साइन सी इंटू कॉस डी साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। तो इसी साइन एन प्लस एम एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं अगर एन प्लस एम को हम लोग डिवाइड कर दें, लेकिन लिमिट में भी वही टू पाई था इनटू उसको कर देना पड़ेगा जैसे हम लोग पहले ले रहे थे, जैसे साइन एन एक्स था उसको अगर साइन एक्स कर रहे थे तो एन को बाहर कर देते, लिमिट भी टू पाई इनटू एन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एन नहीं है हमारा, क्या है एन प्लस एम है, तो साइन एन प्लस एम एक्स को साइन एक्स कर सकते हैं, एन प्लस एम को बाहर कर दे, टू तो ऑलरेडी बाहर था हमारा और टू पाई एन प्लस एम। इसी टाइप से ये माइनस का माइनस वन बाई टू का वन बाई टू, एन माइनस एम को बाहर कर दीजिए, एन माइनस एम को टू पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये साइन एक्स डी एक्स होगी। तो इसको अगर हम लोग साइन एक्स को इसके पहले हम लोग इंटीग्रेट करके देख चुके हैं जीरो से टू पाई या टू पाई का कुछ भी मल्टीपुल हो तो एक ही आंसर आएगा, तो ये जीरो है और ये जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो आंसर आएगा जीरो। इसी टाइप से हम लोग सेकेंड को प्रूव करेंगे ये वाला, तो बहुत ही सिंपल है। वो जो जो फार्मूला हम लोग देख रहे थे वहाँ पर उसको फार्मूला को अलग करके लिखें, टू साइन सी कॉस डी या टू साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और अगर कॉस में होगा ऐसा टू कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा एक फार्मूला है, इसको हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो सेकंड वाला हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, जीरो से टू पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस टू से, तो ऊपर में अगर माइनस टू मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा माइनस टू, तो माइनस हाफ है यहाँ पर। तो ये जो माइनस टू साइन, इसको एक्स मानिए साइन वाई मानिए, तो माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला आता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम फॉर्मूला को लिख दिए माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और इसी तरह से टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं पहले भी। तो इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं, अब इसको दो पार्ट में अलग कर देते हैं, माइनस हाफ लिख देते हैं, कॉस एन प्लस एम एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं सिंपल, डी एक्स इधर आ जाएगा, तो ये एन प्लस एम हम लोग हमारा डिवाइड हो जाएगा, और इधर लिमिट में अपर लिमिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लोअर लिमिट में तो जीरो ऑलरेडी है हमारा, फिर माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, वन बाई टू का वन बाई टू है। यहाँ पर जो कॉस एन माइनस एम था, एन माइनस एम को हम लोग डिवाइड कर दिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और डी एक्स तो था ही हमारा। तो इसके पहले तो हम लोग प्रूव ऑलरेडी किए हैं कॉस एक्स डी एक्स का जीरो से टू पाई तक अगर इंटीग्रेट कर दें हम लोग, एन और एम तो पॉजिटिव है लेकिन जीरो से टू पाई करने से ही तो ये जीरो आ जाता है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आंसर आ जाएगा जीरो। अब हम लोग कॉस वाला देखते हैं, कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, तो वही जीरो से टू पाई, ये पहला वाला टर्म को ही लिखें, फिर हम लोग एक ठो साइन एन एक्स साइन एम एक्स प्लस साइन एन एक्स साइन एम एक्स, ये माइनस और प्लस को कैंसिल करके ये वाला हट सकता, वही टर्म आ सकता, तो ये हम लोग जानबूझ करके लिए ये दो टर्म को, एक माइनस वाला टर्म को लिए, प्लस वाला टर्म को लिए।
अब ये दोनों टर्म को मिलाते हैं हम लोग, ये वाला पहला टर्म सेकंड टर्म को मिलाते हैं और थर्ड टर्म को हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से टू पाई करके अलग से हम इंटीग्रेट इसको कर देते हैं। तो देखिए ये जो कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स माइनस साइन एन एक्स साइन एम एक्स, ये एक तो फार्मूला में आ जाता है हमारा, वो क्या है कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी, तो कॉस सी प्लस डी हमारा आया था, तो डी एक्स था तो डी एक्स हम लोग लिखे, और जीरो से टू पाई का जीरो से टू पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स का हम लोग यहाँ पर अलग करके लिखे। लेकिन इस अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए जीरो से टू पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो से टू पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। एन प्लस एम एक्स डी एक्स तो है, एन प्लस एम को बाहर में ले जाते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। लेकिन हम लोग पहले भी प्रूव किए जीरो से टू पाई कॉस एक्स डी एक्स ये जीरो आ जा रहा है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो, तो टोटल ये वाला हो जाएगा हमारा जीरो। लास्ट साइन नहीं हमारा साइन स्क्वायर है, इसको प्रूव करना जीरो से टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई एंड जीरो टू टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई, ये हम लोग को प्रूव करना। तो पहले हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हम लोग प्रूव कर चुके, अब अगर स्क्वायर में अगर रहे तो क्या होगा देखिए। तो जीरो से टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टू से हम मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर हम लोग डिवाइड भी किए, तो यहाँ पर माइनस टू साइन स्क्वायर एन एक्स, एन को हम लोग बाहर कर दिए तो टू पाई एन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए। अब टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू एन को तो बाहर हम लोग लिखे जीरो टू पाई एन, यहाँ पर था माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यस माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में थोड़ा सा अरेंज करके, वही माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर वन इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी वन इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पर जो वन इंटू डी एक्स जो किए थे ये माइनस वन बाई टू एन इंटू डी एक्स था और ये प्लस वन बाई टू एन इंटू डी एक्स, मीन्स ये टर्म माइनस वन बाई टू एन जीरो से टू पाई एन इंटीग्रेट करेंगे वन डी एक्स, तो यही चीज़ है, ये प्लस वाला ये हमारा माइनस वाला, तो कैंसिल होके क्या बचेगा और एक टर्म हमारा, यहाँ पर देखिए तीन टर्म है माइनस वन बाई टू एन जीरो टू पाई एन, एक है इंटू वन डी एक्स, दूसरा टर्म क्या है माइनस वन बाई टू एन जीरो से टू पाई एन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और तीसरा टर्म है प्लस वन बाई टू एन जीरो टू टू पाई एन डी एक्स। तो ये जो तीन टर्म है हमारा, यहाँ पर ऑनली हमारा एक टर्म है, यही वाला एक टर्म है, तो ये टर्म को इस ओरिजिनल टर्म को तो हम लोग रखे हैं, लेकिन इसके साथ और एक टर्म हम लोग प्लस भी किए माइनस भी किए, क्या टर्म है वन बाई टू एन जीरो टू टू पाई एन डी एक्स, इसको एक बार ये टर्म को एक बार हम लोग प्लस किए और इतना ही टर्म को हम लोग माइनस किए, उसी माइनस वाला टर्म को यहाँ पर कॉमन लेकर के लिख दिए। क्यों लिखे एक फॉर्म में लाने के लिए, तो माइनस वन बाई टू एन का भी टू एन जीरो से टू पाई एन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं तो कॉस टू थीटा होता है, और ये डी एक्स का डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स, तो वन बाई टू एन जीरो से टू पाई एन, तो यहाँ पर हमारा लिमिट अगर हम लोग पुट करते वन बाई टू एन एक्स की जगह में टू पाई एन और ये जीरो, और यहाँ पर माइनस वन बाई टू पाई एन तो है ही हमारा, यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं ये जो पार्ट यहाँ से टू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस पाई हमारा बचेगा प्लस पाई, यहाँ से माइनस वन बाई टू एन, ये जो कॉस के साथ टू जो है ये टू अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी अगर हम लोग टू मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअली यहाँ पर फोर होना चाहिए, तो ये होगा कॉस एक्स डी एक्स, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा एक्चुअली हो जाएगा जीरो, यहाँ पर भी हमारा फोर एन है टू हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई नहीं की ये होना चाहिए फोर पाई एन, तो ये हमारा होता है जीरो होता है यार, या इसके बाहर में टू मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हमारा जीरो होता है, तो बचेगा हमारा पाई। फिर सेकंड वाला भी हम लोग को प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो से टू पाई वन डी एक्स, माने सिंपली डी एक्स और माइनस करके जीरो से टू पाई साइन स्क्वायर एन डी एक्स,
तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो लिमिट पुट करेंगे 2π माइनस 0 माने 2π होगा, और साइन स्क्वायर एन डी एक्स अभी हम लोग प्रूफ किए, ये जो जो प्रूफ था अभी का जो प्रूफ था साइन स्क्वायर एन डी एक्स, यहाँ पर 0 से 2π साइन स्क्वायर एन डी एक्स अभी उसको हम लोग प्रूफ किए, वो है हमारा पाई, तो 2π माइनस पाई इक्वल टू पाई हो जाए। तो याद रखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एन डी एक्स 0 से 2π तक अगर हम लोग करते हैं तो पाई आता है, और साइन स्क्वायर एन डी एक्स 0 से 2π तक करते हैं तो हमारा पाई आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।